ஸ்ரீ சாந்தி நேமி பார்ஷ்வ ஜினேந்திராய நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மச்சந்திர குஹா வராக்ஷர ஷிலாம் வா அத்ராவதாரம் சதா அர்ச்சே சாரண பாதுகாஞ்சன குஹே சர்வாமரேர் ரர்ச்சிதாம் பாஸ்வலக்ஷண பக்திம் நிவருத்தி பதம் பிந்தூச்ச தர்மஷிலா சம்யக் ஜ்ஞான ஷிலாஞ்ச நேமி நிலயம் வந்தே ஸ்ருங்கத்ரயம். इस पंचम काल में भी चौथे काल जैसी धार्मिक सुगंधि, श्रद्धा और भक्ति की अनुपम छटा एवं अतिशय संपन्न सम्यक धारा को प्रवाहित करने वाला दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है नेमगिरी. प्राचीन समय यमराज नेमिराज दोनों राजाओं से संबंधित जिनपुर नगरी उस समय की वैभवशाली जनधन से संपन्न जैन समुदाय की श्रद्धावंत नगरी रही है. इस नगरी में 14 जिन मंदिर थे और दोनों राजाओं का जब तक मंदिर दर्शन नहीं होता था तब तक नगरी का व्यवहार शुरू नहीं होता था. जिनपुर की भूमि ने अनेक आक्रमणों को देखा और लगभग 10 विशाल जिन मंदिरों को एवं हजारों की संख्या में जिन प्रतिमाओं को ध्वस्त होना पड़ा. अनेक आतंकों को झेलते हुए इस धरा का नाम जिनपुर से जिंतूर हुआ. ध्वस्त जैन मंदिरों की कुछ मूल नायक प्रतिमाओं का एवं अन्य प्रतिमाओं का रक्षण पूर्वजों ने जान की बाजी लगाकर किया. जो प्रतिमाएं आज जिंतूर नगरी के श्री महावीर मंदिर एवं श्री पार्श्वनाथ मंदिर में सुरक्षित है. नेमगिरी तीर्थ मंदिर की रचना. पहाड़ी की चोटी पर भूगर्भ में 7 गुफाओं से युक्त विशाल जिन मंदिर चक्र व्यूहाकार रचना से अपनी एक अलग सी पहचान बनाकर रखा है. उसे भूल भुलैया भी कहते हैं. दर्शक दर्शन करते करते रास्ता भूल जाते हैं. प्रकाश एवं हवा के लिए छत में हर गुफा पर झरोके रखे गए हैं. 17 फीट जमीन से नीचे 7 गुफाओं में मूर्तियां हैं और 3 मूर्तियों की विशेषता है कि वो 1.25 फीट की भगवान शांतिनाथ की मूर्ति है, 1.7 फीट की पद्मासनस्थ भगवान नेमिनाथ की मूल नायक जो मूर्ति है वो है, और सबसे आश्चर्यकारक जो बात है यहाँ पर देखने लायक कि वो भगवान पार्श्वनाथ की करीब 9000 किलो 9 टन वजन वाली मूर्ति जमीन से पूरी हदर और 6.25 फीट ऊँचाई की और जिसे अपन पूरी प्रदक्षिणा दे सकते हैं ऐसी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है जो कि पूरा विश्व का आश्चर्य है. यहाँ पर साइंटिस्ट लोग भी आ चुके हैं जिन्होंने मानना था कि नहीं इसको कोई तो भी अपना लोह चुंबक के हिसाब से इसको कुछ तो भी आदर किया हुआ है. वो बड़े बड़े मैग्नेट लेकर आए थे, उन्होंने सब देखा, परिसर को छानबीन किया हमारी परमिशन लेके, और फिर उन्होंने चित्रलेखा में वही एक रिपोर्ट छपाया कि भाई ये अद्भुत कला है और अद्भुत नजराना है जो कि सही में आश्चर्य है. जवळपास 2000 वर्षापूर्वीच्या मूर्ती या ठिकाणी याच्यामध्ये गुफेमध्ये ठेवलेल्या आहेत. तर बाहेरील जे भक्तगण आहेत आपले जैन समाजाचे असतील बाकी त्यांनी सर्वांनी इथे एक वेळेस मुद्दाम भेट द्यावी कारण की हे खूप बघण्यासारखं ठिकाण आहे, चांगलं ठिकाण आहे. नेमगिरी तीर्थ शिल्प वैभव. गुफा क्रमांक 1 विक्रम संवत 1676 में प्रतिष्ठित श्री 1008 महावीर स्वामी की 3.5 फीट ऊंची मनोज्ञ प्रतिमा, अत्यंत प्राचीन पंचबालयती प्रतिमा, मनोज्ञ 24 जिन बिंब, आचार्य भद्रबाहु एवं आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री के चरण कमल यह इस गुफा की विशेषता है. गुफा क्रमांक 2 इस गुफा में कला कौशल्य से युक्त कर्णतक केशलताओं से व्याप्त कठोर तपाराधना के प्रतीकात्मक पद्मासन मुद्रा में श्री 1008 आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा है. गुफा क्रमांक 3 सकल विघ्नोपशाकमक परम शांतिदायक देवाधिदेव श्री 1008 शांतिनाथ स्वामी की प्रतिमा वितराग मुद्रा में पद्मासनस्थ विराजमान है. 6 फीट ऊंची इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से भक्त अपने समस्त दुखों से छुटकारा पाकर
अपूर्व मानसिक शांति प्राप्ति का अनुभव करते हैं। और एक भक्त यहां पर बैठकर ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांति नाथाय सकल विघ्न शांति कराय ओम राम ह्रीम रूम भ्रौम ह्रा असी आ उषा मम सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु ह्रीम नमः। इस मंत्र का जाप देकर अपने ऊपर के विघ्न से शांति पाने का अनुभव करते हैं। गुफा क्रमांक 4। चक्र विवाहकार रचना के मध्य में इस क्षेत्र में मूल नायक श्री 1008 नेमिनाथ स्वामी की 7 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा विराजमान है। वितरागता की साक्षात प्रतिकृति मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाली असीम शक्ति प्रदायक काले पाषाण से बनी इस जिन बिंब का दर्शन करते ही साधक भाव विभोर हो आत्मानंद को प्राप्त करने का अनुभव करता है। गुफा क्रमांक 5। यह वह गुफा है जहां विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य मानी जाने वाली घोरोपसर्ग विजयी साक्षात अरहंत अवस्था का प्रतीक श्री 1008 अंतरिक्ष पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा आसन से 4 अंगुल अधर विराजमान है। दर्शक यहां आते ही अपनी सुदबुद खोकर तन्मयता से टकटकी लगाकर प्रतिमा को निहारते ही रहते हैं। प्रतिमा के दर्शन से अपना जीवन सफल हुआ मानते हैं। कामधेनु कल्प वृक्ष चिंतामणि के समान मन वांछित फल देने वाली 9 फणायुक्त 6 फीट ऊंची लगभग 9000 किलो वजन वाली परिक्रमा मार्ग सहित सभी ओर से दर्शनीय आसन से लगभग 4 अंगुल अधर अंतरिक्ष में काले पाषाण की पद्मासनस्थ प्रतिमा के दर्शन से शारीरिक मानसिक आर्थिक राजनैतिक एवं संसार के समस्त दुखों से क्षण मात्र में ही छुटकारा होने का अनेक भक्तों का अनुभव है। ऐसी मूर्ति भारत देश में नहीं तो पूरे विश्व में एकमेव मूर्ति यहां पाई जाती है। 9 टन एवढं मूर्तीचं वजन असू शकतं आहे। आणि जे आश्चर्य तुम्हाला मी सांगितलं की एवढ्या छोट्याशा तांदळावरती ती मूर्ती आहे, कुठेही मॅग्नेट नाही आहे। बऱ्याच चिकित्सक लोकांनी चौकशी अंती किंवा विज्ञाननिष्ठ लोकांनी बरेच प्रयत्न केले, पण सगळे प्रयत्न त्यांचे असफल झालेले आहेत। आणि खऱ्या अर्थाने तेवढ्याच ते दगडावरती ती मूर्ती आहे। त्याबद्दल काही आख्यायिका असतील तर त्या असतीलही, पण आत्ता आपल्याला आपण जे अंतर पाहिलं त्या अंतरावरती जे मध्ये अंतर आहे आणि त्या दगडाचं आणि मूर्तीचं अंतर, तर ते नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतं। या मूर्तीच्या पाठीमागच्या बाजूला सर्व धर्मचं जे काही प्रतीक आहे ते म्हणजे ओम। ओम या मूर्तीच्या पाठीमागे अशा वेगळ्या आकारामध्ये कोरलेला आपल्याला इथे पाहायला मिळू शकतो। आपण गुफा नंबर 5 मध्ये 4 मधून 5 मध्ये येत असतानाच ती मूर्ती आपल्याला तिथे पाहायला मिळती आहे। गुफा क्रमांक 7। छोटी गुफा से निकलकर आगे भगवान बाहुबली जी की गुफा की ओर चलते हैं। 5.5 फीट ऊंचाई वाली यह प्रतिमा अपनी अनोखी मूर्ति कला से विश्व में अनोखी है। आपाद मस्तक लता कंधों पर नागराज और घोर तपश्चर्या करते हुए मांडी पर भुंगो द्वार किया हुआ छेद ध्यान मग्नता का प्रतीक है। नेमगिरी तीर्थ का परिसर बहुत ही निसर्ग रम्य और सभी को आनंद देने वाला है। परभणी जिले में जिंतूर तहसील गांव के पास ये श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नेमगिरी संस्थान है। विश्व की एक अद्भुत कला का नमूना। विश्व का ये अतिशय क्षेत्र देखने के लिए आप जरूर एक बार जिंतूर जाइए। सहकार्य माननीय आमदार विजय रावजी भांबळे साहेब, मनोज थिटे पाटील, संदीप राठोड, सूरज फोटो स्टूडियो जिंतूर, निखिल कदम, मनोहर देवीदास सावजी कलमकर और सभी विश्वस्त मंडल मनपूर्वक धन्यवाद। दोस्तों, केपी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।